हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आप ठीक होगे बेटा। आज हम क्लास सेकंड की स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स का। ओके स्टूडेंट, और एक्सरसाइज जो हमारी स्टार्ट होगी आज 2.5 एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी। इससे पहले कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 2.5 स्टार्ट होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं स्टार्ट करवाती हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे देखो फिल पहले से ही करके दिखला रखे हैं, आपको बुक में नजर आ भी रहे होंगे। बस मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझना है, बाकी के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको खुद करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट दे रखा है, फिल द ब्लैंक बॉक्सेस वन हैज बीन डन फॉर यू। क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और कुछ बॉक्सेस जो हमें दे रखे हैं वो खाली दे रखे हैं। उसको हमें क्या करना है, उसको हमें फिल करना है, ठीक है। इसमें डिवाइड दे रखा है और मल्टीप्लाई दे रखा है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें जो दे रखा है 6 × 3, 6 × 3 कितना होता है 18, कितना होता है 18, ठीक है। और 3 × 6 कितना होता है 18। देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा तब हमारा 18 आया, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा तब भी हमारा क्या आया, 18 आया, ठीक है। अब डिवाइड करके देखते हैं। देखो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आंसर आएगा, ठीक है। और फिर हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा वैसे ही आंसर आ रहा है, और डिजिट को आगे पीछे करने पे भी हमारा वही आंसर आ रहा है वैसे ही, और डिवाइड करने पे भी वैसे ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है एग्जाम्पल में आपको बता रखा है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, ठीक है। वैसे ही आप खुद करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 5 × 4, 5 × 4 कितना होता है 20 होता है। देखो यहाँ पर 20 दे रखा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं बताती हूँ, देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। 4 × 5 कितना होता है 20। देखो 5 × 4 = 20, 4 × 5 = 20, दोनों को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने पे हमारा सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है डिवाइडेड कितना देखा है, 20 को डिवाइड कर रखा है 4 से, तो कितना आंसर आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। और 2 को डिवाइड 5 कर रखा है, 2 को डिवाइड 5 कर रखा है, तो कितना आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, डिवाइड करने पे वही आंसर आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। देखो क्या दे रखा है, हमें 2 × 8 दे रखा है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आएगा, ठीक है। अभी हमें वही सम यहाँ पे भी करना है, डिजिट को आगे पीछे कर डिजिट को आगे पीछे करके वही आंसर लाना है जो हमारे यहाँ पे 16 आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ आपको 2 × 8 दिखला रखा था, अब मैं यहाँ पे आपको 8 × 2 करके दिखला रही हूँ, तो कितना आ गया, 16 आ गया, कितना आ गया, 16 आ गया, 8 × 2 = 16, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे डिवाइड करके दिखला रखा है आपको, यहाँ पे देखो डिवाइड का एक बॉक्स आपको दे रखा है और एक बॉक्स खाली का रखा है, तो खाली वाले बॉक्स में हमें करके दिखलाना है, ठीक है। 16 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 8 आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। और 5 मैंने कर रखा है, 6, 7 आपको खुद करना है, ध्यान से सुनना और समझना। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई करके एक बॉक्स दे रखा है, 4 × 10 कितना होता है 14, कितना होता है 4 × 10 = 14, ठीक है। और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 से 10 को मल्टीप्लाई करो तब भी हमारा क्या आंसर आएगा, 14 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको डिवाइड करके एक दे रखा है और दूसरा आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल करने के लिए आपको बॉक्स दे रखा है वो आपको खुद ही करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो 14 / 10 मतलब कि 14 को किससे डिवाइड करा है, 10 से डिवाइड करा है, तो कितना आंसर आया है, 4 आंसर आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 1 to 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखे हैं 6, 7 वाले वो आपको खुद करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट।